हाय दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आपका अपना अभिषेक, अभी ब्लॉक से, अभी फॉर एक्यूरियम ब्लॉक से। आज मैं आपको एक बैड न्यूज़ देने के लिए मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी बहुत सुबह बैड न्यूज़ मिली। आपको पता होगा, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो मेरा चैनल देखते हैं, कि मेरे पास एक्चुअल में दो शार्क थी। तो उसमें से मेरी एक शार्क एक्सपायर हो गई, लेकिन वो वैसे एक्सपायर नहीं हुई, वो बहुत बुरे तरीके से एक्सपायर हो रही है। किसी ने उसे मारा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन कुछ मेरी ही गलती के कारण वो एक्सपायर होगी। तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो कि मुझे उस शार्क का बहुत दुख हुआ यार, बहुत ज़्यादा दुख हुआ उस शार्क का, कि वो ऐसे कैसे हो गए। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। सुबह मैं उठा, लेकिन मैंने अपना एक्वेरियम देखा, तो मुझे दो मेरे पैरेट और एक शार्क दिखी। तो मैंने कहा दूसरी शार्क गई तो गई कहाँ दोस्तों। कम से कम मैंने 20-25 मिनट अच्छे से ढूंढा कि यार पैरट तो नहीं खा गई, पर पैरट का मुंह इतना छोटा सा, वो कहाँ एक शार्क को खा जाएगी। तो मैं देखा यार शार्क गई कहाँ, पूरे एक्वेरियम में देखा, कोई मरी हो, चल नीचे नीचे रह गई होगी, नहीं ऊपर तैरी। तो नीचे भी देखा, नीचे भी नहीं है। फिर मुझे लगा उसने जंप कर लिया कि मेरे एक्वेरियम से जंप कर लिया, क्योंकि शार्क आपको पता है जंप कर जाती है। तो मुझे ऐसा लगा मेरी शार्क ने जंप कर लिया, लेकिन मैंने जब देखा अपना, मतलब आसपास भी देखा, टॉर्च से मैंने ढूंढा, पर मेरी शार्क ने जंप नहीं करा। यार मैं सोच में पड़ गया। आधा घंटा मैं चेयर लेके यहीं अपने एक्वेरियम के पास बैठा रहा कि भाई मेरी शार्क गई तो गई कहाँ यार, मैं गई, मेरी शार्क गई तो गई कहाँ। तो मैं ढूंढता रहा अपनी शार्क को, मुझे नहीं मिली यार। मैं बहुत टेंशन में हो गया कि कहाँ गई, जाएगी तो नीचे गिरेगी, ये ऊपर से, ऊपर एक्वेरियम से कहाँ चली गई। मैंने ऊपर से कवर था एक्वेरियम, हल्का सा खोल रखा था सिर्फ हवा के लिए, क्रॉसिंग के लिए। तो बस ढूंढता रहा, मैं ढूंढता रहा यार, बड़ा दुख लगा मुझे यार, बहुत दुख लगा। मेरी गलती के कारण मेरी शार्क मर गई। इस वीडियो को लंबी, ज़्यादा लंबी ना करते हुए बस दिखाना चाहता हूँ कि मेरी शार्क कैसे मरी। मैंने एक, आप लोग जानते होंगे, मैंने एक क्रिस्टल फिल्टर बनाया था, उसमें मैंने ये जो अपना सफाई वाला पाइप होता है, वो मेरे पास एक्स्ट्रा पाइप नहीं था, तो मैंने ये उसका ढक्कन बना रखा था, ये यूज़ कर रखा था कि पानी, जो एक्वेरियम का पानी है, वो खींचे ये पाइप और दूसरी तरफ से फिल्टर आए। तो ये मैंने थोड़ा डीप छोड़ रखा था, थोड़ा इसका स्पेस भी ज़्यादा था कि कचरा कुचरा साफ करने के लिए। तो यार वो शार्क पता नहीं कैसे रात को कैसे कब इसमें फंस गई वो अंदर, तो इसमें फंस के उसकी मौत हो गई। मुझे बड़े देर बाद ढूंढने के बाद मैं ध्यान से जब इसे देखा, तो उसमें उसकी आँख दिखी मुझे, तो मुझे बड़ा दुख हुआ इस चीज़ से रिलेटेड दोस्तों। बस यार ये बताना चाह रहा था। और यार लाइक कर दिया करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। हम अपनी इतनी मेहनत से जो हमारे साथ रिजल्ट होती है, वही चीज़ आपको बताते हैं और उसी चीज़ से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। तो यार एक लाइक तो बनता है यार, लाइक ज़रूर कर दिया करो यार चैनल को। चलो भाई, आज की वीडियो इतनी ही थी, और नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ, कुछ नई फिशेज, तो उनसे रिलेटेड वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। चलो बाय दोस्तों।